क्वेश्चन में आपसे बोलता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, इन्फिनेट मेनी सॉल्यूशंस. नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकेंड इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. कैसे, देखो जरा क्या लिखा हुआ है. ए इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस बी इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस टू. ओके, नाउ अब देखो a को अंदर मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स एक्स प्लस ए इंटू वाई ए वाई. अब ध्यान देना, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी इंटू वाई बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस टू. अब यहां से हम क्या करेंगे, हम x वाले को x वाले के पास लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा ए एक्स, पास पास लेके आएंगे इनको, माइनस का bx, साइन मत चेंज कर देना, ए एक्स माइनस बी एक्स, बस रीअरेंज कर रहे हैं. और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस का ए वाई और प्लस का बी वाई, हम इनको साथ साथ लिखेंगे. ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 3a और प्लस बी माइनस टू. अब यहां से अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x, तो x इंटू क्या आ गया, a माइनस बी और प्लस इन दोनों में से आप कॉमन लोगे y, तो y इंटू ए प्लस बी यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अब देखो x और y को छोड़ के a b ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो 3a प्लस बी माइनस टू ये पूरा कॉन्स्टेंट आपका हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस टू. ठीक, ओके, नाउ अब देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, x इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू एक्स लिखो और प्लस y इंटू ए प्लस बी लिखो या a प्लस बी इंटू वाई लिखो, बात आपकी सेम है, इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस टू. ठीक, अब अगर आप देखोगे दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन एंड टू अगर आप देखोगे, अब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस का केस आ जाएगा क्या आपका, ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू. अब आप चेक कर लो, ए वन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट ए वन, यानी कि ए वन टू हो जाएगा. ए टू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू. बी वन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट थ्री, और बी टू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट ए प्लस बी. और सी वन बाय सी टू, देखो इसका कॉन्स्टेंट भी राइट हैंड साइड है सेवन, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, और इसका कॉन्स्टेंट भी राइट हैंड साइड है ना, थ्री ए प्लस बी माइनस टू, तो थ्री ए प्लस बी माइनस टू ये इस तरीके से आ गया, करेक्ट. अब आप क्या करो, एक बार इन दोनों को साथ साथ ले लो, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्टली कोई कॉन्स्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो आप एक बार इन दोनों को साथ साथ लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए और बी में बनाइए, और एक बार आप इन दोनों को साथ साथ लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए. सबसे पहले इन दोनों को, तो टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन ए प्लस बी, तो क्रॉस कराओगे यहां से तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ए प्लस बी, है ना, टू मल्टीप्लाई करेगा ए प्लस बी में, इक्वल लगाएंगे, और थ्री मल्टीप्लाई करेगा ए माइनस बी में. ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए टू ए प्लस 2 इंटू बी टू बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए थ्री ए और माइनस थ्री बी यहां से आ जाएगा. अब आप चेक कर लो, ये वाले 2a को उधर भेजोगे, सो क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 2a, है ना, और माइनस का 3b था और प्लस का 2b हो जाएगा, सॉरी प्लस का क्यों, माइनस का 2b हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो जिसको कंफ्यूजन है, 2a और 3a को इधर लेके आओगे सो माइनस 3a, और प्लस का 2b था लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का 3b लेके आओगे तो प्लस का 3b आपका यहां पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. 2a माइनस 3a माइनस a और 2b प्लस 3b हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, चेक कर लो, माइनस ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू जीरो. अब हम इन दोनों को लेंगे, मतलब इन दोनों को, थ्री अपॉन ए प्लस बी
3 upon a plus b is equals to 7 upon 3a plus b minus 2. 7 upon 3a plus b minus 2. यही है, चेक कर लो. यस. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कराओगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू इन द ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 इन द ब्रैकेट a प्लस बी. तो यहां से आएगा 3 इंटू 3 9, 9a प्लस 3 इंटू बी 3b और माइनस 3 टू जा 6 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a 7a प्लस 7 इंटू बी 7b. और यहां से आ जाएगा आपके पास 9a प्लस 3b. ओके, अच्छा 7a को लेफ्ट में लेके आओगे तो 9a माइनस 7a 2a हो जाएगा. और इसी तरीके से ये माइनस 7b लेके आओगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 7b इधर लेके आओगे तो 3 माइनस 7 माइनस 4b आपके पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 6 को राइट में लेके भेजो तो 6 हो जाएगा. अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, सो 2 आप कॉमन लोगे तो आएगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 6 और 2 से उधर डिवाइड लगा दो क्योंकि 2 इधर पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड लगा देगा तो a माइनस 2b. इससे इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी आपकी, 2 वन जा 2 और 2 थ्री जा, तो यहां से आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0. माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड. दोनों को ऐड करोगे, a से कैंसिल होगा, माइनस 2b प्लस 5 यानी कि 5 माइनस 2 3b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0 3 और b इज इक्वल्स टू 3 बाय 3 यानी कि 1 हो जाएगा. और b की वैल्यू को ले जाके कहीं पर रख दीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. तो a माइनस सेकेंड में पुट कर रहे हैं, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3 था, यहाँ से a माइनस 2 इंटू और b की जगह 1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से a और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 और माइनस 2 इधर जाएगा तो a की वैल्यू 3 प्लस 2 यानी कि a की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी. तो a आपका 5 हो गया और b आपका यहाँ पर कितना हो गया, b आपका यहाँ पर 1 हो गया. इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे. ओके, कर लीजिए और चाहिए.